हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जागृति। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीपैट, नाइपर एंड अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो 2023 जीपैट बहुत ही नज़दीक है, 2 या 3 ही महीने बचे हैं, तो आप अपना स्टडी चालू रखिए। क्लासिफिकेशन चार्ट्स और अदर जो MCQ है वो सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप विदाउट स्किप माय वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट्स इन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH। तो आपको पता ही है टाइप ए और टाइप बी जिलेटिन, ये दो टाइप्स होते हैं। तो टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है 9, और टाइप बी आया तो 9 के हाफ कर देने का मतलब 4.5। तो टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक pH है 9, और टाइप बी का भी हम देख लेते हैं 4.5। तो सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट आर यूज्ड। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। क्वेश्चन है, शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट कहाँ पर यूज़ किया जाता है? टैबलेट में। आपको टैबलेट का चैप्टर याद करना पड़ेगा। तो आपको सबको ही पता है सिरपिंग में कलरेंट यूज़ होता है। तो सीलिंग में क्या होता है, सीलिंग में हम मॉइस्चराइजर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करते हैं। सब कोटिंग में हम यूनिफॉर्म एजेस और साइज बिल्डअप करते हैं। एटलीस्ट 50-100% हम साइज सब कोटिंग में बिल्डअप करते हैं, पॉलिशिंग भी करते हैं। पर क्वेश्चन में पूछा गया है कलरेंट कहाँ पे यूज करते हैं, तो कलरेंट यूज करते हैं सिरपिंग प्रोसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ अ टैबलेट। तो ये कौन सा टैबलेट का टाइप नहीं है, इसमें से ढूंढना है हमको। ट्राउजेस एंड लोजेंजेस, आपको तो पता है लोजेंजेस टैबलेट के है, और टस्यू लोजेंजेस, एलेक लोजेंजेस, बहुत सारे लोजेंजेस होते हैं। लोजेंजेस मीन्स एक टॉफी की तरह, आपको कॉफ सिल पता होगी उसे कहते हैं। तो वो तो टैबलेट का टाइप होता ही है। इफरवसेंट टैबलेट, इफरवसेंट मीन्स जो पानी में इजीली घुल जाता है, जैसे कि विटामिन सी टैबलेट्स, ये भी है। पेसरीज, दिस इज नॉट अ टैबलेट। पेसरीज एक सपोजिटरी होती है, आप सबको भी पता है पेसरीज एक वजाइनल सपोजिटरी ऐसे टाइप में आता है, तो वो सपोजिटरी है। दिस इज नॉट अ टैबलेट और टैबलेट ट्रिचुरेट। तो करेक्ट आंसर इज पेसरीज, पेसरीज इज अ नॉट अ टैबलेट टाइप। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जीपैट एग्जाम में, और फार्मा रिगार्डिंग अदर एग्जाम में भी पूछा गया है, पर जीपैट में ज़्यादा पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया? हार्डनेस, फ्रायबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी टेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज हार्डनेस। हार्डनेस ये इंडिया का फार्माकोपिया के नॉट ऑफिशियल टेस्ट में आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिलेटिन इज यूज्ड एज एन। जो कैप्सूल में जिलेटिन यूज होता है बच्चों, तो इनकैप्सुलेटिंग एजेंट, ऑब्वियसली इसका आंसर यही है, कैप्सूल। देखो ये एक कैप्सूल है, और ये जो बाहर का जो पोर्शन है जिसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जिलेटिन का बनाया हुआ पोर्शन है। तो जिलेटिन इज यूज एज इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। आप ये विटामिन ई की दवाई याद रख सकते हो, क्योंकि ये जिलेटिन से, पूरा जिलेटिन से बनाया हुआ है। तो जिलेटिन इज यूज्ड एज एन इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड प्लेस एज पर IP इंडिकेट स्टोरेज एट। तो आपको पता है स्टोरेज कंडीशन जैसे कि बहुत सारी है, कोल्ड, कूल, हॉट। तो आपको कोल्ड कैसे याद रखना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 8 डिग्री सेल्सियस। तो कोल्ड, कोल्ड में आपको ये 0 दिख रहा है और एक 1 दिख रहा है, तो ऑपोजिट क्या, तो क्या हुआ 10, ऐसे आप याद रख सको 10। 2 और 8 मिला के होते हैं 10, और इसमें भी है 10, तो आप ऐसे याद रख सकते हो 2 और 8 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स कोल्ड। कोल्ड प्लेस एज पर IP इंडिकेट स्टोरेज एट 2 और 8 डिग्री सेल्सियस। बाकी ऑप्शन आपको देखना ही नहीं है, इसका एडिशन कर दो, इसको जोड़ दो, उल्टा कर दो,
10 होता है 2 और 8 प्लस 10, तो आप समझ गए होंगे ये सिंपल ट्रिक थी, पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोरेज कंडीशन से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आप अच्छे से याद रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमेक्टेंट मीन्स। तो आपको ऐसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमेक्टेंट होता क्या है। ह्यूमेक्टेंट में एक वर्ड है ह्यूमिडिटी, इट मीन्स कि आपको मॉइस्चर चाहिए। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहता है। इट रिड्यूस द पार्टिकल साइज इन पाउडर मटेरियल, नहीं, ह्यूमेक्टेंट तो मॉइस्चर है, तो इधर कोई भी दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज यूज टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ द ऑइंटमेंट। थिकनेस का भी कोई लेना देना नहीं है। इट इज यूज टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द क्रीम, ऑब्वियसली जो क्रीम रहती है उसमें ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, इट मीन्स कि वो ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमिडिटी उसमें होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन सेम दिख रहा है, इसके लिए परफेक्ट दिख रहा है कि इट इज यूज टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द क्रीम, क्रीम को ड्राई होने से बचाता है ह्यूमेक्टेंट। क्वेश्चन में ही आंसर था, थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा यूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज यूज टू इंक्रीज द स्प्रेड ऑफ द कोट ओवर टैबलेट, ये भी गलत है। तो ह्यूमेक्टेंट मीन्स इट इज यूज टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द क्रीम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द स्वीटिंग एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट। आपको पता है च्यूएबल टैबलेट मीन्स हम जो चूसते हैं टॉफी की तरह, जैसे कि विटामिन सी टैबलेट हो गया, तो इसमें हम स्वीटिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं जिसके वजह से वो स्वीट लगता है टैबलेट। तो ऑप्शन है सुक्रोज, सेकंड है साइक्लामेट सोडियम, थर्ड है सैकरिन सोडियम और फोर है मैनिटॉल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, बहुत ही सिंपल है। तो मैनिटॉल एक ही ऐसा है कि जिसमें स्वीटिंग एजेंट यूज किया जाता है च्यूएबल टैबलेट में, तो करेक्ट आंसर है मैनिटॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी कैप्सूल शेल शुड बी बिटवीन। तो आपको ये याद रखना है, एम्प्टी कैप्सूल पूछा गया है, एम्प्टी कैप्सूल का मॉइस्चर कंटेंट कितना रहता है, तो करेक्ट आंसर है 12-15%। तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि एम्प्टी कैप्सूल शेल का मॉइस्चर 12-15% रहता है। तो ये याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिल पिलेट इन कैप्सूल, कैप्सूल फिल करने में जो पिलेट यूज होता है उसके लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ कौन सा एक एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट है रोटोफिल, सेकेंड रोटोसॉट, थर्ड एक्ोफिल और लास्ट ऑल ऑफ द अबाउ। तो बहुत बच्चे ऑल ऑफ द अबाउ देख के वही टिक करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेना है। क्वेश्चन में ये फिल पिलेट्स फील और ऑप्शन है रोटोफील, तो करेक्ट ऑप्शन इज रोटोफील। रोटोफील यूज किया जाता है, इज अ स्पेशली डिजाइन फॉर फील प्लेट इन अ कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इन अ रीजन। हमने देखा था टाइप ए देखा था, अब टाइप बी है। टाइप ए का 9 था और बी का हाफ भी करना है, इट मीन्स 4 and 5, 4.5। तो बी आया तो 4.5, ए आया तो इसके डबल 9। तो आप समझ गए होंगे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बिकॉज। तो वाटर फॉर इंजेक्शन स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन से डिफरेंट होता है, क्योंकि बिकॉज वो फ्री होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, पायरोजन से, प्रिजर्वेटिव से या एंटीऑक्सीडेंट से। तो एकदम सिंपल आंसर है पायरोजन, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है उसमें स्टराइल वाटर में तो नहीं होंगे, क्योंकि वो स्टराइल है। स्टराइल का मतलब ये है पायरोजन फ्री है, माइक्रोबियल अटैक उसमें कोई भी नहीं है, इस वजह से वो पायरोजन फ्री है। तो करेक्ट आंसर इज वाटर फॉर इंजेक्शन इज डिफर फ्रॉम स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन बिकॉज इट इज पायरोजन फ्री।